मेरा नाम है हरसिमरन सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से कितनी मौतें हुई हैं और कितने केसेस हैं वो सामने आए हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव। और सबसे ज़्यादा यूएसए में है पॉजिटिव केसेस हैं मे बी 1,42,225। यूएसए में 1,42,225 केसेस हैं वो सामने आए हैं और वहाँ पर 2,490 मौतें हैं वो वहाँ पर हो चुकी हैं यूएसए में अब तक। इटली में 97,689 टोटल केसेस हैं कोरोना वायरस के और वहाँ पर सबसे ज्यादा मौतें हुई है दोस्तों 10,779 वहाँ पर मौतें हो चुकी हैं। चाइना में अब जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ था दोस्तों चाइना में 81,470 केसेस हैं 81,470 केसेस चाइना में हैं। जब भी वहां पर सिर्फ मौतें हुई हैं 3,304 3,304 मौतें हैं चाइना में हो चुकी हैं अब तक। और स्पेन में 80,110 केसेस हैं पॉजिटिव कोरोना वायरस के और वहां पर मौतें हैं 6,803 मौतें हैं वहां पर हो चुकी हैं। जर्मनी 62,435 केसेस हैं और वहाँ पर 541 मौतें हो चुकी हैं अब तक। पूरी दुनिया में 7,25,239 केस हैं और मौतें 34,034 हो चुकी हैं। इतनी मौतें हो चुकी हैं 30,000 से ज़्यादा मौतें कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं इटली में इटली यूएसए चाइना स्पेन फ्रांस ईरान यूके इन सब के देशों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के कारण मौतें हुई हैं। इंडिया में टोटल केस हैं 1,071 जो कि अब नॉर्मल है पर ये भी बहुत है क्योंकि पिछले 2 दिनों में इंडिया के जो केस हैं वो डबल हुए हैं 100 से 200 200 से 400 इतने हो रहे हैं दोस्तों। टोटल डेथ्स हैं मौतें हैं वो 29 हो चुकी हैं जो डेथ्स हैं मौतें हैं इंडिया में 29 हो चुकी हैं अब तक और 1,071 केसेस हैं वो इंडिया में आ चुके हो चुके हैं। ये भी हमारी बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि वो कोरोना वायरस के अपडेट्स के लिए वो केसेस को जानने के लिए और अपने घर पर रहें स्टे होम स्टे सेफ सेफ इंडिया। थैंक यू।